ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारा पुराना पिछला वीडियो प्राचीन सात अजूबों के बारे में था, जिसमें आप सभी का अच्छा रिस्पांस मिला और उस वीडियो को 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। मगर कुछ लोगों को उस वीडियो से शिकायत थी, क्योंकि हमने उन प्राचीन सात अजूबों में भारत के एक भी प्रतिमा या मंदिर को शामिल नहीं किया था और लोगों ने अपना गुस्सा कमेंट में जाहिर किया। लेकिन देखा जाए तो यह गुस्सा जायज़ था, क्योंकि प्राचीन सात अजूबों से भी बेहतर और पुराने कुछ मंदिर हमारे देश में मौजूद है, जो वैज्ञानिक लॉस को भी हैरान कर देते हैं। लेकिन प्राचीन हो या वर्तमान, सात अजूबों की सूची एक संस्था बनाती है और हमारा काम सिर्फ आपको जानकारी देना था, और वह सूची हमारी नहीं थी। यह बात बहुत लोगों को समझ में भी आ गई, तो हमने सोचा क्यों ना हम इन अद्भुत और सुंदर मंदिरों के बारे में भी एक वीडियो बनाएं। हमारे भारत में हजारों ऐसे मंदिर है जो बहुत चमत्कारी है, लेकिन हम सबकी बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने 5 मंदिरों को चुना है और यह सारी जानकारी इंटरनेट से ली है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस दिलचस्प सफर पर जानते हैं भारत के कुछ दिव्य मंदिरों के बारे में। बृहदेश्वर टेम्पल। आज के जमाने में इंजीनियर्स अपने प्रतिभा से एक से बढ़कर एक ऐसे बड़े बड़े इमारत बनाते हैं, और जिन्हें बनाने के लिए इंजीनियर्स को क्रेन जैसे आधुनिक उपकरण की जरूरत पड़ती है। मगर भारत में पुराने दौर में भी बिना किसी एडवांस उपकरण के ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ था जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देते हैं। उनमें से एक है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इसे अद्भुत बनाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा प्रथम द्वारा किया गया था। इस मंदिर को निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि इसे भव्य और अद्भुत बनाया जाए, जो नए युग को दर्शाए। यह सुंदर और भव्य मंदिर बना है ग्रेनाइट से, और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास ना कोई चट्टान है ना कोई पहाड़ मौजूद है। तो सवाल आता है कि ऐसे भारी भरकम पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। तो कुछ लोगों के अनुसार हजारों हाथियों की मदद से कई दूर से इन पत्थरों को यहाँ तक लाया गया था। यह मंदिर बना है पजल टेक्निक से, मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जमाना, वह भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर के। और इस मंदिर को बिना खुदाई किए एक प्लेन जमीन पर ही बनाया गया था। इतनी ही बात हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि उस वक्त की इंजीनियरिंग बिना किसी एडवांस उपकरण के भी कितनी एडवांस थी। लगभग 80 टन का यह पत्थर, जिसे कुंभम भी कहा जाता है, वह इस मंदिर के सबसे ऊपर रखा गया है। अब यह चीज सबको हैरान कर देती है कि लगभग 80,000 किलोग्राम का यह पत्थर आखिर इतने ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। 500 केजी के पत्थर को भी 10 लोग उठाने में थक जाए तो सोचिए इतने भारी भरकम पत्थर को आखिरकार बिना किसी क्रेन के इतने ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। इस मंदिर में ऐसे कई चीजें हैं जो अपने आप में ही अद्भुत है, जैसे इस मंदिर की कलाकृतियां और शिव मंदिर की शान मानी जाने वाली नंदी महाराज की मूर्ति। इस मंदिर में कई पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। तमिलनाडु में यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। कैलाश टेम्पल, एलोरा केव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाएं एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कई कलाकृतियां हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान शिव का कैलाश मंदिर, जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। क्योंकि प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें चिपकाया जाता था और बाद में उन्हें आकार दिया जाता था। इमारत बनाने के इस टेक्निक को कट इन टेक्निक कहते हैं, मगर कैलाश मंदिर का निर्माण कट आउट टेक्निक से किया गया है, जिसमें एक पूरे पहाड़ को काटकर मंदिर बनाया गया है, जिसमें द्वार, गुफाएं, पुल और बालकनी भी है। ऐसा यह पूरी दुनिया का एकलौता मॉन्यूमेंट है। अगर आज के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके ऐसे मंदिर को बनाने की कोशिश की जाए, फिर भी यह नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं और उनके हिसाब से ऐसे मंदिर को बिना किसी उपकरण के बनाना नामुमकिन है। अगर फिर भी हजारों साल पहले अगर इस मंदिर को बिना किसी उपकरण के बनाया गया होगा तो इसे सदियां लग गई होंगी, और जब पहाड़ काटने के बाद जो मलबा जमा हुआ होगा उसे साफ करने के लिए काफी ज्यादा बल और समय लगा होगा। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ 18 साल का समय लगा था। इस तरह से मंदिर बनाना किसी आम लोगों का काम नहीं हो सकता, यह किसी विकसित सभ्यता का काम हो सकता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए स्वयं भगवान ने मदद की होगी।
इस भव्य मंदिर में कई कलाकृतियां और विशाल मूर्तियां हैं। रहस्य से भरे इस मंदिर में कई गुफाएं भी हैं, जिनका रास्ता कहा जाता है किसी को नहीं पता। एक बार मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी हजारों की सेना भेजी थी और कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी वह लोग इस मंदिर के सिर्फ छोटे से भाग को ही नष्ट कर पाए थे, जिसके बाद औरंगजेब ने भी इस मंदिर के सामने अपने घुटने टेक दिए। यह मंदिर हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। इस मंदिर में दर्शन और रिसर्च के लिए कई लोग आते हैं। इस अद्भुत मंदिर की भव्यता शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। हर हर महादेव। वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी में स्थित है, जो भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1583 में दो भाइयों वीरुपन्ना और वीरन्ना ने किया था, जो विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। कहा जाता है लेपाक्षी वही जगह है जहाँ रावण के साथ युद्ध के पश्चात जटायु जी घायल होकर गिरे थे। यह गांव 16वीं शताब्दी में बने वीरभद्र मंदिर, जिसे कुछ लोग लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे पिलर है, जिसमें से एक पिलर ऐसा है जो जमीन को स्पर्श किए बिना खड़ा है, और इस झूलते पिलर को कई लोग देखने आते हैं और इस पिलर के नीचे से कपड़े को आर पार करके देखते हैं और हैरान भी हो जाते हैं आखिरकार इतने पुराने समय पर इस पिलर को कैसे बनाया होगा। यह मंदिर अपने आप में ही अद्भुत है। यह मंदिर भारत के प्राचीन संस्कृति को अपने वास्तुकलाओं में दर्शाता है। इस मंदिर में दिव्य शिवलिंग के साथ साथ एक नंदी महाराज की विशाल मूर्ति है, जिसे सबसे बड़ी नंदी महाराज की मूर्ति माना जाता है, जिसे पत्थर के एक ही खंड से उकेरा गया है। पहाड़ों में स्थित यह चमत्कारी मंदिर कई कन्नड़ शिलालेखों का घर है, क्योंकि यह कर्नाटक सीमा के करीब स्थित है। इस मंदिर में ऐसी कई कलाकृतियां हैं जो रामायण, महाभारत और पुराणों के महाकाव्य को भी दर्शाती है। इस मंदिर में आप अगर जाएंगे तो यह आपको अपने भव्यता से हैरान कम करेगा, जितना यह आपको गर्व महसूस कराएगा कि आपका जन्म एक ऐसे देश और संस्कृति में हुआ है जो आज विज्ञान को भी सोचने में मजबूर कर देती है। अनंतपुरा लेक टेम्पल। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर या अनंतपुरा लेक टेम्पल, यह भगवान विष्णु का मंदिर है, जो दक्षिण भारत के केरल राज्य के कायरगोड़ जिले के एक छोटे से गांव के एक झील के बीच में स्थित है। यह मंदिर दिखने में बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। इस मंदिर को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाता है एक शाकाहारी मगरमच्छ। हाँ, आपने सही सुना, एक मगरमच्छ जो बिल्कुल भी मांस नहीं खाता। इस मगरमच्छ का नाम है बबिया, जो इस मंदिर की रक्षा करते आ रहा है। बबिया ने अपने जिंदगी में कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया। इंसान तो छोड़िए, बबिया ने झील के किसी अन्य जीव पर भी हमला नहीं किया, जहां इस झील में इतनी सारी मछलियां आनंद से रहती है। कहते हैं सालों से इस मंदिर की रक्षा मगरमच्छ करते आए हैं, और इस झील में सिर्फ एक बार में एक ही मगरमच्छ दिखता है, और जैसे ही एक मगरमच्छ की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा मगरमच्छ उस मगरमच्छ की जगह ले लेता है। कहते हैं कई साल पहले एक अंग्रेज सैनिक ने इस झील के मगरमच्छ को गोली मार दी थी। उसके बाद उस सैनिक की अचानक से मृत्यु हो गई, और कुछ समय बाद इस झील में बबिया आया, जो इस मंदिर की रक्षा करने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस झील के आसपास ना कोई नदी है ना कोई तालाब, तो बबिया अचानक आया कहाँ से? बबिया ने अपने जिंदगी के 75 वर्ष तक बस इस मंदिर का प्रसाद खाया है। बबिया का खाने का वक्त भी फिक्स रहता था, जिसमें उसे चावल और गुड़ दिया जाता था। दुख की बात यह है कि 9 अक्टूबर 2022 में 75 वर्ष की आयु में बबिया की मृत्यु हो गई। बबिया के अंतिम समय में हजारों लोग उसे देखने आए थे और उसे सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। सालों से इस मंदिर की रखवाली कोई ना कोई मगरमच्छ करता आ रहा है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि बबिया इस मंदिर का आखिरी रक्षक था, मतलब इसके बाद कोई भी मगरमच्छ बबिया की जगह नहीं लेने वाला। जगन्नाथ पुरी टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत ओडिशा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों लाखों संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक असली हृदय है, और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जब बदलाई जाती है तब इसका दिल भी बदलाया जाता है, और उसके लिए पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। यह कार्य अंधेरे में किया जाता है ताकि कोई भी उस दिल को देख ना सके।
जगन्नाथ भगवान की तरह ही उनका मंदिर भी भव्य है। जहाँ इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा उलट दिशा में लहरता है, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता, हवाई जहाज तो दूर की बात, पक्षी भी नहीं गुजरता। भगवान जगन्नाथ से जुड़े कई चमत्कार की कहानियां हैं। भारत में मंदिर का निर्माण सिर्फ श्रद्धा के हेतु से नहीं बनाया गया है, यह हमारे संस्कृति को जिंदा रखते हैं। विदेश के लोग इन मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वह यहाँ ज्ञान लेने आते हैं, वह इन मंदिरों से एजुकेशन लेने आते हैं, और हमारे मंदिर सभी धर्म के लोगों को यह ज्ञान बांटता है। नालंदा जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो मंदिर भी था, जहाँ खिलजी ने आक्रमण किया और वहाँ के सबसे बड़े संपत्ति को नष्ट किया, जो थे वहाँ के किताबें। कहा जाता है जब वहाँ आग लगाई गई थी तो वह 3 महीनों तक जल रही थी। इतने सारे मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, फिर भी आज कोई भी हमारे ज्ञान और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया है, और आज भी हमारा देश और वहाँ के लोग दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।